हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आ गया हूँ आपके सामने एक नया शेयर लेकर। और जो ये शेयर ढूंढ के लाया हूँ, ये बहुत बढ़िया शेयर है। आप इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर सबसे ज्यादा FIS का स्टेक देखा है मैंने अब तक जितने भी शेयर देखे हैं। इससे ज्यादा FIS का स्टेक मैंने किसी भी शेयर के अंदर नहीं देखा है। तो चलिए बात करते हैं कौन सा शेयर मैं आज आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम आप सबको पता ही है, सुपर ट्रेडिंग प्रवीण। आपके सामने मैं ऐसे नए नए चैनल नए नए शेयर से लेके आता हूँ रोजाना, और नए नए वीडियोस डालता रहता हूँ। आप मेरे वीडियोस पूरा देखा कीजिए, जिससे कि आपको कंपनी के बारे में पूरा पता चल सके और क्या उसका बैकग्राउंड है वो सब पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं शेयर ढूंढ के लाया हूँ, उसका नाम है कार ट्रेड टेक। आप सबने इसका नाम सुना होगा, ये बहुत फेमस कंपनी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। ज्यादा दिन पुरानी कंपनी नहीं है, साल दो साल पहले इसका IPO आया है। और अभी अभी इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी बताता हूँ आपको, इसका अभी अभी रिजल्ट आया है और रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो इसका नेट प्रॉफिट उस रिजल्ट में बढ़ गया है। तो इसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 13 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसका नेट प्रॉफिट 2 करोड़ 6 लाख था, 2 करोड़ 60 लाख था। और जून 2022 में इसका 2 करोड़ 60 लाख प्रॉफिट आया था। अब चलते हैं आगे। इसका रेवेन्यू 4% बढ़कर 86.1 करोड़ हो गया है। अब आगे चलते हैं। जो बड़ी खबर है, वो मेन बड़ी खबर यही है, वो सुनिए। इस कंपनी ने OLX ऑटो को 537 करोड़ में खरीद लिया है। एक महीना ही हुआ है इस खबर को आए हुए, तभी आपने देखा होगा इसके शेयर के अंदर काफी तेजी आई है। तो जब से खरीदा है, तब से इसका शेयर लगातार बढ़ रहा है और आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया सेक्टर का है और इसका जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा है। तो यह कंपनी सेकेंड हैंड कार्स और नई कार्स में डील करती है। ज्यादातर जो इसका मेन प्रोफाइल है वो सेकेंड हैंड कार्स का है। OLX हो गया, कार ट्रेड हो गया और कार देखो हो गया, इस तरह के जितने भी ब्रांड्स हैं, ये सब नई कार्स के ही हैं, नई और पुरानी कारों के ही हैं। तो ज्यादातर ये बेसिकली जो डील करते हैं यूज्ड कार्स करते हैं। तो बताता हूँ, ये जो कंपनी है यूज्ड कार्स का सेल और परचेज करती है, नई कार्स में भी करती है पर बहुत कम करती है। ये कंपनी ऑनलाइन पोर्टल पर कार खरीदती और बेचती है। यह कंपनी ऑनलाइन पोर्टल पर कार रजिस्टर करने का चार्ज लेती है, जो डीलर्स वगैरह से लिया जाता है, और अलग अलग जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जैसे मारुति वगैरह, जितने भी ब्रांड्स हैं सबसे लेती है। इसलिए यह कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगी, क्योंकि आपको हमेशा पता ही, आगे अब जितने भी मेट्रो सिटीज हैं या छोटे छोटे शहर हैं इंडिया के अंदर, या गांव भी हैं, सब कार लेना चाहते हैं, पर सब नई कार नहीं खरीद सकते, तो इसलिए पुरानी कार खरीदते हैं। अब सपोज किसी आपने कोई कार 10 लाख के ली है, और 10 लाख की कार 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, वो 6 लाख की जाएगी, 4 लाख की जाएगी, इस हिसाब से जाती है। तो जिनको भी गाड़ी चेंज करनी होती है, वो अपना पुरानी कार को ऐसी कंपनियों को बेच देते हैं या डीलर्स को बेच देते हैं। OLX आजकल बहुत फेमस है इस चीज में, तो OLX को इन्होंने खरीद लिया है। सब अपनी सेकेंड हैंड कार्स जाते हैं, OLX वगैरह, कार देखो वगैरह, इन सब पे देते हैं। तो वहां से ये कंपनी इनको अपनी पोर्टल देती है, ज्यादातर कंपनीज को, कि आप मेरे पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए, बदले में मुझे कुछ चार्जेस दीजिए, कमीशन दीजिए, मैं आपके उस पर एड भी लगाऊंगा। तो ये एड से भी पैसा खा रही है, कमीशन जो मिलता है इसे वो अलग है, सेल परचेज होती है वो अलग है। तो ऐसी जो बिजनेस है, इनमें हमेशा ही प्रॉफिट रहना है। चलिए और आगे बताता हूँ। ये डीलर से फीस लेती है, अपनी वेबसाइट्स पे एड वगैरह देकर भी फीस लेती है। 70% जो इनका रेवेन्यू है वो डीलर से कमीशन जो होता है उससे आता है, और जो अपनी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं उससे आता है, जो ये चार्जेस लेती है अपनी वेबसाइट पे अपनी कार वगैरह को रजिस्टर करने का। तो आगे ये कंपनियां नई कार भी सेल करती है, जैसे क्विड वगैरह हो गई, ये गाड़ियां जितनी भी हैं जो कम सेल होती हैं, उन गाड़ियों को अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करके तब बेचती है। 27 मार्च 2023 को इसका शेयर 366 का था, और अब 536 पर, 536 पर चल रहा है। इसका मार्केट कैप बताता हूँ, इसका मार्केट कैप 2480 करोड़ का है। इसका PE रेशो 79.25, ROE 1.69% और डेप्ट ऑफ इक्विटी 0.04 है, वो बहुत कम है। इसके MD CEO के बारे में बताता हूँ, इसके MD CEO है मिस्टर विनय सांघी, और ये कंपनी 2000 में बनी थी। इसमें FIS का स्टेक 6.69.69 और रिटेल में 27.90%, म्यूचुअल फंड्स का 2.41% स्टेक है। अब आप खुद सोचिए, इसके अंदर FIS का 69% स्टेक है। मैंने आज तक इतना ज्यादा FIS का स्टेक किसी भी कंपनी में नहीं देखा है।
तो आप आगे आने वाले समय में ऐसी नए नए शेयर्स मैं आपके सामने लाता रहूंगा। फिर से वही, ये एक पेपर थ्योरी है मेरी तरफ से बनाई हुई, वही मैं आपको, और इससे रिलेटेड एक ये न्यूज आई थी वही आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। आप ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके सामने रोजाना नए नए वीडियोज लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।